वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देव राजपूत हमेशा की तरह अपनी लविंग वाइफ के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एंजॉय दिल से। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर को और बेल आइकॉन भी दबाइएगा दोस्तों, वो भी दिल से। तो मैं तो हूँ तैयार और आप हैं तैयार और आप हैं तैयार, तो चलो चलते हैं दोस्तों एंजॉय दिल से। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? क्या स्मृति? स्मृति के स्मृति राज। अच्छा, जो जलेबी की तरह गोल होती है कि लंबी होती है? लंबी। ये कौन सा जलेबी बनता है? पता नहीं तुमको? अरे तुम्हें पता ही नहीं कि जलेबी लंबी होता है कि गोल होता है? लंबी। ये कहाँ पे बनता है मुझे बताओ, लंबी वाली जलेबी? मैं भी खा के आऊंगा कभी कभी। गरम है? अरे ये क्या लाई आंटी आपके लिए? पूरी। ओ अच्छा, ये पूरी बताओ गोल है कि लंबी है? गोल। तो जलेबी कैसी होती है, गोल होती है कि लंबी होती है? गोल। तो अभी इतनी देर से आप बता रहे थे मुझे कि जलेबी लंबी होती है और वो बताओ ना, जलेबी लंबी होती है, पूरी गोल होती है? अरे बाबा, आप तो हमारा दिमाग खराब कर दिए बाबूजी। एबीसीडी सुना? आप हमारा दिमाग खराब मत। अच्छा एबीसीडी सुना दो। एबीसीडी इसको आता है? सुनाओ, सब सुनेंगे। ए फॉर एप्पल। दोस्तों सुबह की शुरुआत करते हैं फ्रूट चाट के साथ और फ्रूट चाट में डालेंगे दोस्तों डाबर का हनी। जी हाँ दोस्तों, डाबर का हनी और डालेंगे साथ में थोड़ा सा काला नमक। जी हाँ दोस्तों, काला नमक डालने के बाद दोस्तों इसको सर्व किया जाएगा बच्चों के लिए फ्रूट चाट को, और मैं निकलूँगा अपनी एक नई मंजिल की तलाश में। और मंजिल की तलाश करते करते दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपने शर्मा जी के यहाँ पर, और शर्मा जी के यहाँ पर हो रहा है दोस्तों भंडारा, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और भंडारे के लिए मैंने बोला शर्मा जी को, तो शर्मा जी ने मुझे पैक करा के दिया दोस्तों प्रसाद। ये देखिए दोस्तों भंडारे का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लाजवाब दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से लाया मैं गर्मा गर्म आलू और पूरी दोस्तों, लाजवाब बेहतरीन। जो आनंद भंडारे की सब्जी का आता है दोस्तों वो कहीं नहीं आता दुनिया में। और उसके बाद दोस्तों आ गए हम एंजॉय दिल से किचन में। ये डाल दिए गए खड़े मसाले, डंठल के साथ गोभी बनाएंगे दोस्तों, आलू गोभी बना रहे हैं आज हम। इसमें डिफरेंट ये है कि दोस्तों इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल किया गया और रिफाइंड का दोस्तों बहुत कम इस्तेमाल किया गया। पहले हम लोग इसमें डंठल डालें दोस्तों गोभी के साथ, और दोस्तों देखिए कितनी लाजवाब और बेहतरीन खुशबू उठ रही है दोस्तों। कसूरी मेथी डालेंगे 5 से 6 चम्मच। तो अभी थोड़ी ना डाल रहे हैं कसूरी मेथी, मैंने पहले मसाले में डाल दिए जब भुना हो रहा था। अच्छा पहले ही डाल दिया आपने? 3-4 तो मैंने डाल दिए। तो ये अभी आलू गोभी डाली है आपने ना? हाँ अभी मसाले, ये गोभी डाल रहे हो, पहले डंठल डाले ना अब गोभी डाल रहे हो, तो इसको फ्राई कर रहे हो अभी। तो दोस्तों अभी सिर्फ नमक है, अभी इसको कर रहे हैं अच्छी तरह से इसका भुनाव। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या डिफरेंट होगा वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ अलग ही अंदाज होगा आज आलू गोभी का, क्योंकि आलू गोभी तो रोज़ बनती है दोस्तों लेकिन इस तरीके से नहीं बनाते हैं। आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, आलू डाल दिए गए हैं। पहली बार नहीं ट्राई कर रहे हैं, पहली बार अपलोड करें क्योंकि मैं तो बनाती ही हूं। वही कहने का मतलब वही है समझने। तो मैं मसाले बाद में डालती हूँ सबसे लास्ट में, और इसमें तेल बिल्कुल कम है। और तो इसमें दोस्तों कर रहे हैं हम लोग दही का इस्तेमाल, तेल कम है तो उसमें दही डालेंगे तो एक कोरमे के जैसा टेस्ट हो जाएगा इसका। और गुड़िया की शिफ्ट खत्म हुई थी उस समय। अच्छा, तो उसने कहा था खाना मेरे को तैयार कर देना, तो अभी ये उठेगी तो अपना खा लेगी। और जहाँ पर मैंने दही डाली है वहीं दही के ऊपर मैं डालूँगी 1/2 चम्मच चीनी, और इसे मिक्स करेंगे ताकि खट्टापन ना लगे। बिल्कुल लाजवाब बेहतरीन। यहीं पे मैं डालूंगी मसाले। अच्छा यहीं पे मसाले डाल, तो इसको कूट के और कूटा क्यों जा रहा है? वो चीनी को मिक्स करने के लिए। अच्छा, और ये मैंने मसाले डाल दिए इनको भी टमाटर के साथ। हाँ अब ये अच्छा जो दही है ये अपना घी छोड़ेगी और मेरी सब्जी में तेल की कमी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों और ये चटनी बची है रात को बच्चों ने जो ऑर्डर करते हैं उसके साथ। हाँ। चटनी वगैरह आती है, तो ये दही वाली चटनी है दोस्तों, हरे धनिया के साथ पिसी। तो दोस्तों इसका भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैंने कहा कि इतना लो थाली में जितना बेकार ना जाए, समझ गए ना दोस्तों। 1 चम्मच डालूंगी मैं पानी। और ये शर्मा जी आ गए हैं फिर से दोबारा। शर्मा जी
और कसूरी मेथी 2-3 चम्मच और डालूंगी। अक्सर किचन के पास आ जाया करते हैं शर्मा जी और आनंद लेते हैं, खुशबू लेते हैं दोस्तों। और खाना हो गया तैयार गर्मा गर्म परोठों के साथ और दही वाली आलू गोभी दोस्तों, लाजवाब बेहतरीन। और मीठी छाछ दी जाएगी गुड़िया के लिए और ये आलू गोभी और पराठे दिए जाएंगे उसको। लेकिन बेटा कर रहा है डाइट प्लान यूज, तो उसके लिए दोस्तों रोल बना के दिया जाएगा क्योंकि वो ऑयली नहीं खा रहा है ज्यादा, फिर भी बोलेगा वो, लेकिन फिर भी बोला जाएगा क्योंकि ऑयल तो नजर आ रहा है इसमें, नजर आ रहा है। तो मैं मैश कर देती हूँ आलू, मैश करके इसमें टमाटो केचप लगा के ये अमन को सर्व किया जाएगा दोस्तों, योगी इंस्टिंक्ट। जी हाँ दोस्तों, रोल बना के खिलाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने नियर एंड डियर के साथ, वो भी दिल से। तो दोस्तों सेफ रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे कल मिलते हैं एक नई मंजिल की तलाश में, एक नई रेसिपी के साथ। एंजॉय दिल से।